तो भाई सितंबर का महीना चालू हो चुका है, और भाई सितंबर के महीने में किराना दुकान पर कौन से सामान की बिक्री सबसे ज्यादा होती है, सितंबर के महीने में लोग किस चीज की डिमांड ज्यादा करते हैं, इन सभी चीजों के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अब तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, और ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो भाई सितंबर का महीना चालू तो हो चुका है, लेकिन क्या आपको पता है कि इसी सितंबर के महीने में कौन कौन से त्योहार आने वाले हैं? अगर आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि भाई जितने भी सामान के बारे में आपको बताने वाला हूँ ना, ये सारे सामान सिर्फ इसी त्योहार की वजह से इस महीने में बिकने वाले हैं। सबसे पहले आता है सेवई। देखो भाई सेवई दो तरीके की होती है, पहला एक तो खुली वाली, दूसरा पैकेट वाली। खुली वाली ज्यादातर आप बाजारों में देखे होंगे किलो के भाव में बिकती है, और दूसरा जो पैकेट वाली होती है वो ज्यादातर आप देखे होंगे कि दुकानों पे बिकती है। ठीक है, वैसे ज्यादातर किराना दुकानों पे कोई भी कस्टमर आता है तो वो पैकेट वाली ही सेवई खरीदता है। वैसे आपके तरफ जो भी सेवई ज्यादा बिकती हो आप उसी सेवई को ही अपने दुकान पर रखिएगा। जैसे कि आपकी दुकान पर खुली वाली ज्यादा बिकती है तो आप खुली वाली रखिएगा, अगर आपकी दुकान पर पैकेट वाली ज्यादा बिकती है तो आप पैकेट वाली रखिएगा। ठीक है, उसके बाद आता है कटा हुआ नारियल। देखो भाई कटा हुआ नारियल 5 किलो के पैकेट में भी आता है, 1 किलो के पैकेट में भी आता है। उसके बाद आता है नारियल गोला। ठीक है, नारियल गोला देखो भाई अलग अलग जिले में अलग अलग भाव रहता है। वैसे मेरे यहाँ तो भाई 25 रुपए, कभी 30 रुपए, कभी 35 रुपए का एक नारियल का गोला मिलता है। आपके तरफ कितने का मिलता है ठीक करके जरूर बताइएगा। वैसे हम लोग दुकानदार हैं तो हम लोग को वो भाई जैसे 20 रुपए मिला तो 25 रुपए में बेचना होता है, अगर भाई 30 रुपए मिला तो 35 रुपए का बेचना होता है। इस तरीके से हमें वो 30 रुपए या 20 रुपए के हिसाब से मिलता है, जैसे कि हम लोग 5 रुपए अपना प्रॉफिट रख के बेचते हैं। उसके बाद आता है रिफाइंड ऑयल। देखो भाई रिफाइंड ऑयल भी दो तरीके का होता है, एक है पैकेट वाला, यानी कि आप देखे होंगे 1 लीटर की बोतल आती है, 1 लीटर का पैकेट भी आता है और 0.5 लीटर का भी पैकेट आता है, और एक तरफ एक खुला जो टीन बा वाला रिफाइंड बोलते हो, यानी कि उसमें 15 किलो रिफाइंड होता है, एक वो तरीके का भी रिफाइंड ऑयल आता है। तो आपके दुकान पर जो भी तेल सबसे ज्यादा बिकता हो, जैसे कि रिफाइंड का ही, अगर पैकेट वाला ज्यादा बिकता है या बोतल वाला ज्यादा बिकता है तो आप बोतल वाला ला सकते हैं, अगर आपके दुकान पर से खुला वाला रिफाइंड तेल ज्यादा बिकता है तो आप खुला वाला ला सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है मखाना। देखो भाई मखाना आप देखे होंगे सफेद सफेद रंग का होता है, गोल गोल बहुत हल्का होता है। ठीक है, उसे आपको 5 से 6 किलो खरीद लेना है। ठीक है, मखाना बहुत महंगा भी होता है। वैसे मखाना पैकेट में भी आता है रेडीमेड, वैसे आप चाहे तो खुला भी खरीद सकते हैं, नहीं तो आप चाहे पैकेट भी खरीद सकते हैं। वैसे ज्यादातर अगर आप पैकेट खरीदेंगे तो पैकेट, अगर आपकी दुकान पर पूरी पूरी पैकेट बिकती हो तब तो आपके लिए अच्छा है, वरना अगर आपकी दुकान पर फुटकर में बिकता होगा, जैसे फुटकर में ही खरीदना सही है, क्योंकि फुटकर में ही आपका अच्छा फायदा हो सकता है। अगर आप पैकेट खरीदोगे तो पैकेट में आपसे ज्यादा से ज्यादा 3 रुपए या 4 रुपए या 5 रुपए का ही प्रॉफिट मार्जिन बचेगा। अब मैंने थोड़े बहुत सामानों के बारे में आपसे बता दिया है, आगे भी अभी 2-3 सामान के बारे में और भी बताने वाला हूँ। अब आप अंदाजा लगा चुके होंगे कि यार सितंबर के महीने में कौन सा त्योहार आने वाला है। अगर आपको याद आ चुका है कि सितंबर के महीने में कौन सा त्योहार है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसके बाद आता है दही। देखो भाई अगर आपकी दुकान में फ्रिज है तब तो आप दही बेच सकते हो, वरना अगर आपकी दुकान पर फ्रिज नहीं है, घर का फ्रिज है, तो आप घर के ही फ्रिज में एडजस्ट करके दही बेच सकते हो, क्योंकि भाई दही भी सितंबर के महीने में कुछ ऐसे त्योहार है जिस वजह से दही ही ज्यादा बिकेगा। ठीक है, वैसे दही में आपका ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन होता नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 रुपए ही प्रॉफिट मार्जिन होता है। उसके बाद आता है शहद। देखो भाई शहद एक छोटी डिब्बे में भी आता है, एक बड़ी डिब्बे में भी आता है। ठीक है, आपको वही शहद की डिब्बी लग करके रखनी है, जो कि आपको अगर लगे कि हाँ ये शहद मैं अपनी दुकान से बेच पाऊंगा, यानी कि आपकी दुकान किसी गांव वाले एरिया में है, तब तो भाई गांव वाले एरिया में बड़ी वाली सी वाली शहद की शीशी कोई नहीं खरीदने वाला। तो इसीलिए सबसे अच्छा है कि आप छोटी वाली शीशी ले आइए, जिसमें कि भाई 100 ग्राम या 200 ग्राम की कोई एक शीशी होती है, वो ज्यादा से ज्यादा आपको 50 से 65 रुपए में मिल जाएगी, जिससे कि आप 70 से या 75 रुपए में भी बेच सकते हो। उसके बाद आता है चीनी, जो कि भाई हर महीने बिका करती है, लेकिन इस महीने थोड़ी कुछ ज्यादा ही बिकेगी। उसके बाद आता है अगरबत्ती, 5 रुपए ली 10 रुपए ली। ठीक है, उसके बाद आता है कड़वा तेल। ठीक, वैसे तो कड़वा तेल हर महीने बिका करता है, लेकिन भाई इस महीने एक त्योहार ऐसा है जिस वजह से कड़वा तेल की बिक्री भी सबसे ज्यादा होने वाली है। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।